की ताजा तरीन खबरों के साथ। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बार बार रंडाग बैंड के पास एक बार फिर से ये मार्ग बंद हो गया है। हालांकि बाद में उसे खोल दिया गया, लेकिन बार बार पहाड़ों से भूस्खलन होने के कारण मार्ग बंद होते जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण रंडाग बैंड के पास सड़क का पुस्ता टूट गया है, जिस कारण मार्ग बंद हो गया था, लेकिन उसे फिर से खोल दिया गया। लगातार बारिश के कारण पहाड़ों में हो रहे लैंडस्लाइड के कारण यात्रा मार्ग बार बार अवरुद्ध हो रहे हैं, जिस कारण चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता राकेश डोभाल। राकेश, जिस तरह की तस्वीरें आपने भेजी हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वाकई यहाँ पर स्थिति बेहद खराब हो गई। फिलहाल क्या इस मार्ग को खोल लिया गया है और कहाँ कहाँ पर ये जो मार्ग हैं वो लैंडस्लाइड के चलते बंद पड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, बद्रीनाथ धाम में जो रंग बैंड है वहाँ पे पुस्ता टूट गया है और छोटी वाहनों का हालांकि अभी तक सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन कभी भी ये स्थिति हो सकती है क्योंकि पहाड़ों में लगातार भारी बारिश हो रही है, तो जिसके कारण कभी भी ये पूरा सड़क ढह सकता है और जिससे बद्रीनाथ यात्रा बाधित हो सकती है। उसी के नजदीक में बेनाकुली है, वहां पे भी लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। उसके बाद जो ये लामबगड़ है, लामबगड़ स्लाइड पे भी लगातार पत्थर आने से, मलबा आने से वहां पे लगातार सड़क बाधित हो रही है। तो हर दिन एक तरीके से अगर कहा जाए तो बिल्कुल जो बद्रीनाथ यात्रा के लिए नासूर बन चुका है लामबगड़ स्लाइड। जी जाहिर तौर पर। और मौसम इस वक्त किस तरह का बना हुआ है, और यदि भारी बारिश आप बता रहे हैं तो बारिश बीच में रुक रुक कर हो रही है या लगातार पिछले 24 घंटे से यहाँ बारिश जारी है? जी, जिस तरीके से चमोली जिले में मौसम विभाग ने कहीं येलो अलर्ट जारी किया था, कहीं पर ग्रीन सॉरी कहीं पर ये ऑरेंज अलर्ट किया था, तो लगातार उसका परिणाम स्वरूप यहाँ पे लगातार भारी बारिश हो रही है। रात को लगातार बारिश हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर सड़कों का ढहना अभी भी जारी है। जी जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश।